नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर चंद्रजीत, आपका अपना डॉक्टर चंद्रजीत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम बताएंगे कि अपना जो पशु है यानी कि गाय है, भैंस है, वह गाभिन है और वह पैर से लिंगड़ा रही है, जिसके वजह जो से पशु जो है सही से उठ नहीं पा रही है और सही ढंग से बैठ भी नहीं पा रही है। साथ साथ यह दर्द के वजह से वह खाना भी सही ढंग से नहीं खा रही है और जुगाली भी नहीं कर रही है। तो आज जो हम दवा बताएंगे वह दवा जो है बिल्कुल प्रेग्नेंट सेफ है। अगर आपका पशु गाभिन है उसको भी यह दवा लगा सकते हैं और गाभिन नहीं है उसको भी यह दवा लगा सकते हैं। लेकिन अभी जो हम दवा बता रहे हैं वह अगर आपका पशु गाभिन है और पैर से लिंगड़ा रही है, उसको उठने बैठने में परेशानी है, तो यह दवा अगर आप अपने पशु को देते हैं तो किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो चलिए साथियों, बात करते हैं कि यह वह कौन कौन सा इंजेक्शन है। लेकिन उससे पहले मेरा यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट में हम पशु संबंधित कोई भी वीडियो डालूँ तो वह आप तक पहुँचे और सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए किसान भाइयों, बात करते हैं कि पशु को यह जो पैर में दर्द दे रहा है वह कौन कौन सी वजह से दे सकती है। तो सबसे जो पहला कारण है वह पशु को अगर कहीं चोट लग गई हो उसके वजह से भी दर्द देने लगती है। साथ में कभी कभी पशु के शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, उसके वजह से भी पैर में दर्द होने लगती है, जिसके वजह से पशु लंगड़ाने लगती है। साथ में किसान भाइयों, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि पशु के पैर के नीचे खुर में अगर कुछ गड़ जाती है तो उसके वजह से भी पैर में दर्द देने लगती है और पशु लंगड़ाने लगती है। तो साथियों, सबसे पहला जो काम करना है कि जो पशु लंगड़ा रही है, लंग दे रही है, उसको आपको पैर के नीचे ब्रश की सहायता से, ब्रश जो होता है जिससे हम कपड़ा साफ करते हैं या पशु को नहलाते हैं, उसके सहायता से जो है आप उसके पैर के नीचे अच्छी तरह से साफ करके देख लीजिए कहीं कुछ गड़ा हुआ तो नहीं है। अगर गड़ा हुआ है तो आप उसको निकाल दीजिए और जो इंजेक्शन बताते हैं वह इंजेक्शन दीजिए, एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। साथियों, अगर आप जो है पैर के नीचे नहीं साफ करते हैं, नहीं धोते हैं उसको, अगर आप यह इंजेक्शन दीजिएगा तो एक दो दिन तक के उसको दर्द कंप्लीट रहेगी, तब तक के वह लंगड़ानाएँ बंद कर देगी। लेकिन जब उसमें कुछ गरा रहेगा उसको आप निकालिएगा नहीं जब तक, तब तक वह ठीक नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले जो आपको काम करना है, ब्रश के सहायता से उसको अच्छी तरह से पानी, ब्रश और पानी लेकर इसके साफ कर लेना है और देख लेना है कुछ गरा हुआ नहीं रहना है। अगर गरा हुआ है तो उसको निकाल लीजिए, नहीं गरा हुआ है तो अब जो हम इंजेक्शन बताते हैं वह अगर आप अपने पशु को देते हैं तो एक खुराक दवा में उसका जो लंगड़ानाई है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहला जो इंजेक्शन है जो है इंटास कंपनी का आता है, मैक्सटोल एक्सपी नाम से, जो कि इस तरह से होता है, मैक्सटोल एक्सपी। ऐसे साइड में हम इसका पिक्चर यानी कि फ़ोटो खींच के और डोज भी लिख के बता दिए, देखिए बगल में मैक्सटोल एक्सपी जो कि इंटास कंपनी का है। इसका साल्ट जो है टोलोफेनिक एसिड है, टोलोफेनिक एसिड है इसका साल्ट। यह साल्ट का किसी भी कंपनी का आप दवा ले सकते हैं, लेकिन हम जो बता रहे हैं वह इंटास कंपनी का मैक्सटोल एक्सपी है। अगर बड़ा पशु है, 4 क्विंटल या करीब है, तो 20 ml आप मांस या नस, मांस में भी दे सकते हैं, आई भी कर सकते हैं। तो बड़ा पशु है, 4 क्विंटल के करीब है, तो 20 ml पूरा एक बार में दे दीजिए। छोटा पशु है, 2 क्विंटल के करीब है, तो उसको 10 ml दीजिए। अगर उससे भी छोट है, 1 क्विंटल के करीब है, तो उसको 5 ml दीजिए। साथ में इसको जो पशु लिंगड़ा रहा है उसको एक सेफिस्टान नाम का इंजेक्शन आता है जो कि जाइडस कंपनी का है। इसका जो साल्ट है सेफ्टेरियाजोन है। बड़ा पशु है, 4 क्विंटल के करीब है, तो उसको आप 4 ग्राम लगाइए। छोटा पशु है,
2 क्विंटल के करीब है तो 2 ग्राम, या फिर 1 क्विंटल के करीब है तो यही साल्ट साल्ट का यही कंपोजिशन का इंजेक्शन आप उसको 1 ग्राम लीजिए। इसका जो साल्ट है सेफ्टेरिया जो किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, लेकिन साल्ट यही रहना चाहिए। इसमें क्या होता है कि इसमें इस तरह का वायल मिलेगा, इधर डिस्टिल वाटर रहेगा और इधर इसका पाउडर रहेगा। इस डिस्टिल वाटर को इसमें मिला लेना है और यह इंजेक्शन को भी मांस या नस दोनों में आप दे सकते हैं। साथियों, यह इंजेक्शन देने के बाद आपको एक फास्फोरस का इंजेक्शन भी लगा देना है, जो कि हम अभी बता रहे हैं वह टोनोफोस नाम से आता है, 12 पशु है, 4 क्विंटल करीब है तो आप उसको 20 ml दीजिए। छोटा पशु है, 2 क्विंटल करीब है तो 10 ml दीजिए, उससे भी छोटा है तो 5 ml दीजिए, 1 क्विंटल करीब है तो 5 ml दीजिए। किसान भाइयों, यह 3 इंजेक्शन देने के बाद आप उसको एक एविल भी लगा दीजिए, जिसका साल्ट है प्रेफेमेल। यह साल्ट का किसी भी कंपनी का आप दवा ले सकते हैं। अगर 4 क्विंटल करीब है तो 10 ml लेना है, छोटा पशु है 2 क्विंटल करीब तो 5 ml, अगर उससे भी छोटे 1 क्विंटल करीब है तो 2 से 30 ml लेना है। किसान भाइयों, यह जो हम दवा बताएं चारों दवा, यह अगर आप अपने पशु को देते हैं तो एक बार अगर आप अपने पशु को यह इंजेक्शन लगाइएगा तो एक खुराक दवा में उसका जो पैर दर्द है वह ख़त्म हो जाएंगे। चलिए किसान भाइयों, एक बार रिपीट कर देते हैं कि कौन कौन सा दवा हम अभी आपको बताएं। तो पहला जो दवा बताए हैं मैक्सटोल एक्सपी नाम से, जिसका साल्ट है टोनोफेनिक एसिड, जो कि इंटास कंपनी का है। यह इंजेक्शन आपको 12 पशु है 4 क्विंटल करीब है तो 20 ml देना है, छोटा पशु है 2 क्विंटल करीब है तो आप उसको 10 ml दीजिए, उससे भी छोटा है 1 क्विंटल करीब है तो 5 ml दीजिए। उसके बाद जो हम इंजेक्शन बताए थे वह है सिफ्टान, जिसका साल्ट है सेफ्टेरिया जोन। यह जो दवा है जाइडस कंपनी का है। यह सेफ्टेरिया जोन कंपोजिशन का किसी भी कंपनी का आप दवा ले सकते हैं। यह जो है 4 क्विंटल करीब है तो 4 ग्राम देना है, 3 क्विंटल करीब पशु है तो 3 ग्राम देना है, उससे भी छोटा है 2 क्विंटल करीब है तो 2 ग्राम, या फिर 1 क्विंटल करीब है तो 1 ग्राम देना है। उसके बाद एक और इंजेक्शन बताए थे हम टोनोफोस नाम से, जो कि MSD कंपनी का है। यह इंजेक्शन 12 पशु 4 क्विंटल करीब है तो 20 ml दीजिए, 2 क्विंटल करीब है तो 10 ml दीजिए, उससे भी छोटा है 1 क्विंटल करीब है तो 5 ml दीजिए। साथ में एक एविल भी दे दीजिए, 12 पशु है 10 ml, छोटा पशु है 5 ml, उससे भी छोटा है तो 2.5 से 3 ml देना है। साथियों, यह हम जो हम इलाज बताए हैं यह बिल्कुल परफेक्ट है। आप जो एक बार यह दवा दीजिएगा तो एक खुराक दवा में उसका जो पैर दर्द वाला बीमारी है वह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। साथियों, यह 4 इंजेक्शन बताए हैं, 4 इंजेक्शन आपको अपने पशु को देना है। किसान भाइयों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, ज़रूर बताइए। नमस्कार।